नमस्कार, आप सभी का मेरे रेखी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। किसी ना किसी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अलग अलग फेसबुक के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित करते ही रहते हैं, मुझे बताते भी रहते हैं कि कहां मुझे क्या करना चाहिए और किस प्रकार से आपके क्वेश्चन है जिनका मुझे जवाब देना चाहिए। मेरी टीम हमेशा तैयार रहती है और आपसे हमेशा आपके क्वेश्चंस को मुझ तक जरूर पहुंचाती है। आज हम लामा फेरा का ही क्वेश्चन लेते हैं कि जो लोग कहते हैं कि लामा फेरा या हम रेकी से जुड़े हुए हैं, फिर भी लामा फेरा हमारे लिए क्या बेनिफिट्स लाएगी, क्यों हम लामा फेरा सीखें। देखिए, सबसे पहली चीज, लामा फेरा वन ऑफ द पावरफुल हीलिंग टेक्निक्स हैं। जो लोग हीलिंग के माध्यम से जुड़े हैं या जिन लोगों को गंभीर से गंभीर प्रॉब्लम से और डॉक्टर्स बोल चुके हैं कुछ नहीं हो सकता, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज लामा फेरा को जरूर ज्वाइन कीजिए, हमारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। उनमें हम ऐसी आपको टेक्निक सिखाएंगे जो आपकी एक से एक समस्याओं पे काम करेगी। पल भर में कुछ समय के अंदर आप समझ नहीं पाएंगे कि आप किस तरीके से उस डिजीज से क्योर हो गए। डायबिटीज जैसी बीमारियां, कहने के लिए बहुत छोटा शब्द है, मैं हमेशा कहती हूँ अपने वीडियो में, पर बहुत मेजर ये प्रॉब्लम है, वो तक इससे खत्म हो जाती है। थायराइड तक रिमूव हुआ है, यहां तक मैंने देखा है, लोगों की पॉजिटिविटी आ गई है, सोच बदली है, उस लेवल तक काम करते हो, जो भी प्रकार की, जिस भी प्रकार की नेगेटिविटी है वो तक इस हीलिंग पावर से निकल जाती है, उस एनर्जी तक हम इसमें काम करते हैं। आखिर लामा फेरा क्या है, ये हमें क्यों सीखना चाहिए, इनमें हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, आज मैं वो सारी चीजें आपको समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज आप लोग करें और मेरे चैनल से जुड़िए, रेखी ज्ञान चैनल से जुड़िए, और सारे क्वेश्चंस के आपके जवाब देने को मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। आप लाइक करते हैं, मुझे थैंक यू बोलते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, मुझे ग्रेटिट्यूड भी करते हैं, और मैं भी आपको ग्रेटिट्यूड थैंक यू करती हूँ, क्योंकि आप एक, जब भी आप कुछ लिखते हैं वहां पर तो वो मुझ तक पहुंचता है, एक मुझे ताकत वहां प्रदान करता है। आपका एक लाइक आप समझ नहीं सकते मुझे कितनी ताकत देता है। जो भी क्वेश्चंस मेरे सामने आते हैं उनके लिए मुझे लगता है कि नहीं, वो लोग जो लाइक कर रहे हैं, यानी कि जितने भी हैं वो मुझे देख रहे हैं, वो जरूर मेरा वीडियो सुनते हैं, वो अब मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मुझे उनको किसी ना किसी फॉर्म में बताना चाहिए, तो वहां मैं वीडियो के माध्यम से आपके लिए डालती हूँ। लामा फेरा के बारे में आज हम ही बात करेंगे। इसमें कई प्रकार की टेक्निक हमें बताई जाती है, कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, बस आपको पॉजिटिव बनाता है, सारी नेगेटिविटी निकालने के लिए काम करता है। जो लोग अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक ग्रोथ चाहते हैं, अध्यात्म से जुड़ना, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज चाहते हैं, अपने आप को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज इसका पार्ट बने। लामा फेरा एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, टाइम जरूर लगता है उसमें, जो हमारे जो भी हमारे नियम होते हैं उन्हें फॉलो जरूर करना पड़ता है। आप अपने अपनी खुद की आध्यात्मिक ग्रोथ, सामने की आध्यात्मिक ग्रोथ, अपने पर्सन, अपने घर, आप सभी की ग्रोथ उसमें कर सकते हैं। ब्लॉकेजेस, चाहे वो मनी के ब्लॉकेजेस हो, चाहे आपके स्पिरिचुअल या पुराने कोई ब्लॉकेज लगा हो, या लोगों ने कहा है कि आपके पितृदोष, आपके मातृदोष, आपके चंडाल योग है, ये योग है, और आप सारे पूजा पाठ करके थक चुके हैं, आपको समझ भी नहीं आ रहा, तब आप इससे जुड़िए। हम प्रार्थना कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। उसी प्रकार जब आप लामा फेरा से जुड़ते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ या शुरू हो जाती है। टाइम लगता है इसमें, हम साउंड हीलिंग का बहुत ध्यान देते हैं, इसके अंदर हम अपनी मंत्र शक्ति का बहुत ध्यान देते हैं, इसमें हम पॉजिटिव अपने आप को बना के रखते हैं और अपने जितने भी थॉट कंसेप्ट क्लियर करना शुरू करते हैं। 24 आवर्स हम इस पे काम करते हैं, जो हमारी ग्रोथ है, एक बार किया हुआ आपका अभ्यास 24 घंटे आपके साथ रहता है, मतलब आपको रिपीटेडली बार बार नहीं करना, अगर आपने कोई भी 15 मिनट निकाल लिया तो 24 आवर्स उसकी वाइब्रेशन क्रिएट होती चली जाती है, और धीरे धीरे जब आप उस वाइब्रेशन के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं तो मल्टीपल वाइब्रेशन क्रिएट होती है। वन ऑफ द पावरफुल हीलिंग है ये, मतलब इसको आप छोटी मोटी हीलिंग मत समझिए, वन ऑफ द पावरफुल ये मैजिकल ये हीलिंग आपको देती है। अब हम
किस किस ग्रोथ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मेंटल लेवल, जिन लोगों को मेंटल लेवल मेंटल दिमाग की दिक्कत है, दिमाग की समस्याएं हैं, या वो सोचते बहुत ज्यादा है, या मानसिक तौर से उन्हें किस प्रकार की दिक्कत है, तो उस पर आप काम हीलिंग करेंगे तो उस पर काम करेगा। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी खुद की ग्रोथ, जो आपकी धार्मिक आपकी कार्मिक ग्रोथ है उस पर भी काम करता है। जबकि स्पिरिचुअल यानी आप पूजा पाठ धर्म किसी को मानते हैं, आप ध्यान करना चाहते हैं, हायर डायमेंशन ऊर्जा शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं, तो उस ग्रोथ पर भी ये काम करता है। तो इजीली आपको कनेक्शन उनसे बिल्डअप करने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजीली आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, एनर्जीज अपनी फ्लोट करना शुरू कर देंगे। तीसरी जो मेजर चीज है क्लीनिंग। क्लीनिंग कैसे? योर ओन ऑरा क्लीनिंग एंड जो आपके सराउंडिंग्स हैं, दोनों की क्लीनिंग में एज पर आपकी फैमिली ग्रोथ पे, यानी क्लीनिंग आप किसी भी तरीके की, आपके ऑफिस क्लीनिंग हो, आपके घर की क्लीनिंग हो, आपकी ऑरा क्लीन हो, अदर पर्सन क्लीनिंग हो, तो क्लीनिंग पे जो होता है वहां पर भी काम करता है। अगर आप वहां क्लीनिंग देते हैं तो उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। देन फोर्थ, आपके जन्मपत्री का दोष आप उसे जान लीजिए। अच्छे एस्ट्रोलॉजर से हम जैसे हमको आप दिखाते हैं बताते हैं वहां यहाँ पे आपको इस हाउस में ये दिक्कत है या ये सारी चीजें वहां पर परेशानी आए, तो उस ग्रोथ पर भी आप काम करते हैं तो वहां पर भी आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। उस ग्रोथ पर भी आप काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कोई ऐसा दोष है जिसकी आप पूजा पाठ करा चुके तब नहीं निकला, देन प्रार्थना यहाँ पे जो हम करेंगे लामा फेरा में, उससे वो कम होना या रिमूव होना शुरू हो जाता है। देन वास्तु दोष, वास्तु दोष आपने सही प्रकार की पॉजिटिविटी अपने घर में करा लिया है, हर डायरेक्शन को चेंज कर लिया, हालांकि अगर आपने सही वास्तु दोष वास्तु की जितनी रेमेडीज सही तरीके से की है, सिर्फ सुनी रेमेडीज पे काम करने से रेमेडीज काम नहीं करती, आपने चार सुनी और हो गया नहीं, ये साइंस है, इसे प्रॉपर हमने सालों लगाए हैं इसे समझने में, उस साइंस को आपको फॉलो करना पड़ता है अपने घर में एक लंबे समय तक, तो पॉजिटिविटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे उसके घर में, किसी घर आप गए आपने लगा बड़ा शांत माहौल था, मैं एक घंटा आधा घंटा बैठा मेरा मेंटल लेवल बहुत शांत हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये उसके वास्तु दोष है। कभी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उस आपको मिलने के बाद बहुत शांति का, बहुत एक पावर का या एक पॉजिटिविटी का अनुभव होता है कि नहीं इस व्यक्ति से हम मिले बड़ी हमको पॉजिटिविटी मिली या हमें अच्छा लगा, हमारी 15 मिनट की मुलाकात ही हमारे लिए अच्छी रही, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, तो आप कहते हैं नहीं ये व्यक्ति अच्छा है मेरे लिए या कुछ तो है। तो ये कैसे आपने महसूस किया? ये आपने सारी चीजें महसूस की पॉजिटिविटी से, ये उसकी ऑरा जो वो मेडिटेशन या जिस प्रकार के उसके नक्षत्र हैं उनकी वजह से आपको लगा। मैं हर वीडियो में कहती हूँ यदि कोई व्यक्ति समृद्ध है स्ट्रांग है उससे दोस्ती बनाकर चलिए, उसके साथ अगर आपको लगता है उसके अंदर शांति है उसके अंदर एक स्ट्रांगनेस है तो उससे दोस्ती कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता उसके कौन से नक्षत्र इतने स्ट्रांग है कि आज वो उस जगह पे बैठा है, या उसके पैतृक गण उसके पितृगण उसके घर में जो उसके और जो आशीर्वाद देने वाले हैं उनका आशीर्वाद उस पर कितना स्ट्रांग है, और जब आप उससे जुड़ते हैं तो उसकी ऑरा या उसकी फ्रिक्वेंसी से आप जुड़ जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपके अंदर भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। ये मेजर चीजें हैं जिनका आपको लाइफ में ध्यान देना है। लामा फेरा हमें यही सारी चीजें सिखा रहा है। धीरे 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 हम अभ्यास करते हैं, जुड़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे स्लोली स्लोली हम बढ़ते चले जाते हैं और एक दिन हम प्रॉपर एक स्ट्रांग अपनी एनर्जीज अपने अंदर ले लेते हैं। हम दूसरों की हीलिंग, अपनी हीलिंग, फैमिली हीलिंग कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इम्पॉसिबल इन लामा फेरा, सब कुछ कर सकते हैं। और ये सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए काम कर रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए काम कर रहा है, तो इन बातों का भी आपको ध्यान देना है। ये सारी चीजें से आप जुड़ते हैं, लामा फेरा से जुड़ते हैं, कोर्सेज से हमारे जुड़ते हैं, तो हम आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हर चीज देना हर पॉसिबल नहीं होता, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जितनी आपको डिटेल दे सकूँ, स्टेप बाय स्टेप यहाँ समझाती हूँ, हर लाइन आपको वहां पे क्या करना है वो सारी चीजें समझाती हूँ लामा फेरा के थ्रू। मैं चाहूंगी जो लोग मुझसे जुड़े हैं, देखिए ज्ञान से जुड़े हैं, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लामा फेरा को जरूर कीजिए। वन ऑफ द पावरफुल हीलिंग टेक्निक इसमें हम बताते समझाते हैं जिनसे आप जुड़ते हैं, अपनी पावर्स को बढ़ाते हैं और आप देखते हैं आपकी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। मेरे रेकी ज्ञान चैनल के माध्यम से मैं यामिनी शर्मा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।